हरे हरे राम हरे राम राम हरे हर कीर्ता हर कीर्ता। आप सभी लोग को स्वागत है सुरोनी साथ ब्लॉग में। और बताइए आप लोग कैसे हैं। कितने माता और बहनें लोग हमारे कमेंट में लिख रहे थे कि रोज तुम अपने पति से डिवोर्स ले लो, डिवोर्स तो लेंगे। अब तो हमने सोच लिया है उनसे डिवोर्स हम लेंगे, क्योंकि अब उनसे मैं बहुत परेशान हो गई हूँ और बहुत हार चुकी हूँ उनसे। हम इतनी परेशानियाँ हमारे ऊपर अब है कि हम आप लोग से बता नहीं सकते क्या क्या प्रॉब्लम हम पर चल रहा है। तो एक तो हमारे घर हमारे भाई की शादी भी तैयारियां भी चल रही हैं हमारे घर भाभी की कोशिश, इसलिए अभी हमको टाइम चाहिए उनसे डिवोर्स लेने के लिए। तो आप लोग यह पूरा वीडियो देखिएगा, कुछ आप लोगों से बात शेयर करनी है। हाँ, तो मैं आप लोगों से ये कहना चाह रही थी कि हमारा जो पति बिक्को तो सारा गायब, बिक्को भी मेरा गायब कर दिया और सारा पैसा भी गायब कर दिया है। और हमारे घर शादियाँ पड़ी, अब तो शादी में हम क्या पहनेंगे क्या नहीं, बिना बिक्कू के ही रहेंगे, नकली पहन कर ही हमें काम चलाना पड़ेगा। अब तत्काल में तो इतना कुछ खरीदा नहीं सकता। एक पैसा जो भी मेरे एटीएम में था वो भी गायब कर दिया है, तो पैसा रहता तो कुछ उससे खरीद ली होती, लेकिन अब शादी पड़ गया हमारे घर, हम नकली पहन कर हम काम चलाएँगे, इसीलिए अब क्या करेंगे। एक रुपये के अब दिक्कत हो रहा है कि क्या करे क्या ना करे। ये सब पैसा भी नहीं है मेरे एटीएम में और ना ही मेरे पास भिक्खो भी है शादी में पहनने के लिए। तो यही हम कह रहे हैं शादी बीत जाएगा तो डिवोर्स हम उनसे ज़रूर लेंगे, क्योंकि बस अब बहुत हो गया उनको। हम बहुत उनको हम चांस दिए, बहुत ही मोहलत दिए उनको हम कि अब से सुधर जाए। इंसान को जितना बार हम उनको मौका दिए सुधरने के लिए उतना ही बार हम धोखा खा गए। ये हमारी भी कुछ बेवकूफ़ी है जो उन्हें हम बार बार मौका दिए और बार बार धोखा खा गए, लेकिन अब इस बार हम नहीं इन्हें मौका देंगे, क्योंकि हमारे दो दो बच्चे हैं, उनका भी पढ़ाई लिखाई है। हमारा शक्ति 6 साल का हो गया है, उसका एडमिशन हुआ था वहाँ पर, एडमिशन में हुआ तो वहाँ पर भी अब नहीं पढ़ पाएगा, वहाँ से हम यहाँ चले आए, तो उसका एडमिशन अब यहाँ पर हमको कराना पड़ेगा। और इसका एडमिशन हम फिर से अभी शादी उदी बीत जरा इसमें पता नहीं लुक करेंगे कि नहीं एडमिशन, लेकिन क्या करें, नहीं जब तक एडमिशन होगा उसको घर पर ही हम पढ़ाएंगे, क्योंकि उसका पढ़ाई नुकसान होगा तो हमें भी दिक्कत होगा, हमारे बच्चों को भी आगे चलकर दिक्कत होगा। आप लोग यह वीडियो पूरा देखिएगा, तो हमारे बच्चों का भविष्य ही खराब हो जाएगा, तो क्या करेंगे जब हमारा बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा। इसीलिए इसको हम अपने भरोसे ही रखेंगे, अपने भरोसे इसको परवरिश देंगे दोनों बच्चों के लिए। आप लोग जानते हैं एक अकेली माँ को दो दो बच्चों का संभाला बिना हस्बैंड के, ना ही इसके बाप, ना इसके ऊपर बाप का साया है, कितना परेशानियाँ होगा अब हम ही जानेंगे। और आप लोग आप ही जितने माता और बहनों को अगर इसी तरह किसी का पति लायक नहीं रहता है, वही लोग समझते हैं कि बच्चों का संभालना, हर चीज़ का खर्चा संभालना कितना दिक्कत होता है, कितना परेशानियाँ उठाना पड़ती है। अब तो हमारे ऊपर पड़ी, कभी कभी तो यही सोचते हैं अगर हमारे पास दो दो बच्चे नहीं रहते तो मैं अपने आप को या तो खुदकुशी कर लेती या तो कहीं कुछ भी कर लेती, लेकिन क्या करें दो दो बच्चों का मुंह देखकर हमको सब झेलना पड़ता है कि हम नहीं रहेंगे तो हमारे दोनों बच्चों का क्या होगा। और अकेले रहते तो किसी भी तरह हम कहीं भी चाहे शादी कर लेते चाहे अकेले ही रहते, लेकिन अब मजबूरी है बच्चों की वजह से हमको अब जीना पड़ रहा है। और हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे। खाना खा रहे हैं दीदी।
देखिए भाभी मेहंदी रख रही है अपने हाथ से, कितना अच्छा अच्छा मेहंदी रख रही है, मत पूछिए मैं रखे कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं कि कैसे मेहंदी रखा है बा। मेहंदी रख ले बहुत दिन हो गए, छूट गए लगे ऐसे। आलू गोभी बनाते नहीं, खजूरी पत्ता बनाता नहीं। ए बेटा उनके खाना में पड़ जाए, घुसके आ जाते इधर। खाना भी रखा है मेहंदी रख कर, खाना खाएंगे भाभी खाना। तो आप लोग बताइए खाना में खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? नहीं खा रहे हैं तो खाना खा लीजिएगा आप भी लोग, और सो जाइएगा खा कर। तो हम आ गए हैं अपने भाभी के घर। कोशी घर आने का मन तो नहीं कर रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन है। कोशी कब घर आएगा? इधर आइए, टेंशन में कहीं आने जाने का मन नहीं कर रहा था। तो दीदी है, दीदी लिया कर आएंगे घर में आके, नहीं तो आए नहीं होते। इधर देखिए इधर, और हेलो दोस्तों, हम लक्ष्मी क्यूट ब्लॉग सरोज के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और देखिए आई है भाभी के घर पे, और कल भाभी जी के घर पे कोसी भराएगा। आज तो कीर्तन बैठा है, खाना वाना बन रहा है।